आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की याद में M3 ग्रुप और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन ने बढ़ती ठंड को देखते हुए शासकीय सम्राट अशोक माध्यमिक शाला में स्कूल ड्रेस के स्वेटर वितरित किए। इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। जरूरतमंद बच्चे जो अभाव में जीते हैं मगर पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चे ठंड के मौसम में भी रोज स्कूल जा सके, इसके लिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की याद में M3 ग्रुप और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन के लोगों ने शासकीय शाला में स्कूल ड्रेस के स्वेटर बांटे। सपना शर्मा और रेनू गर्ग ने बताया कि हम जरूरतमंद बच्चों के लिए समय समय पर उनकी जरूरत के सामान का वितरण करते रहते हैं। साथ ही M3 ग्रुप और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन की ओर से हम हर नई प्रतिभाओं को नया मंच मुहैया कराते हैं। आज तो फिलहाल हम स्वेटर बांट रहे हैं, पर ऐसे ही गरीब बच्चों के लिए, जरूरतमंद बच्चों के लिए हम कुछ कुछ समय समय पर जिस समय जैसी जरूरत होती है वैसा काम करते हैं। इस फाउंडेशन और M3 ग्रुप की तरफ से जो हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, उसमें मेन तो है हम लोगों का एक म्यूज़िक ग्रुप है बहुत अच्छा, जिसका भी 4 तारीख का प्रोग्राम भी हुआ था, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो हमारे साथ आगे भी सोशल कामों में और सहयोग प्रदान करेंगे। तो बेसिकली इन दोनों ग्रुप के सौजन्य से जो हमारा मोटिव है वो केवल ये है कि हम जितना हो सके बच्चों के हित में और शिक्षा के हित में बहुत ज़्यादा आगे चलकर हम और ज़्यादा काम कर सकें। जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की फोटो भी हम जल्द शाला में लगाएंगे, जिससे बच्चे जान पाएं कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा देश के पूर्व राष्ट्रपति हमारे भोपाल की पहचान है। धर्मेंद्र शर्मा ने भोपाल के नागरिकों को भी बच्चों की मदद करने को कहा। उन्होंने M3 ग्रुप और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन के काम की सराहना की। सभी जानते हैं, सारा देश जानता है, भोपाल में ही जन्मे, भोपाल की ही कर्मभूमि रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के महान सपूत हैं, महापुरुष हैं और देश के सर्वोच्च पद पर पदासीन हुए हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोग तो जानते थे, लेकिन वर्तमान पीढ़ी के छोटे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ उनका नाम सुना है, लेकिन उनके बारे में सभी विद्यालयों में बताया जाए, क्योंकि वो छात्र जीवन में कितने लगनशील, कितने अनुभवी जो उनका जीवन था, जो उनका विद्यार्थी जीवन था और जो उनका राजनीतिक जीवन था, उसके बारे में कम से कम है कि भोपाल क्षेत्र के सभी विद्यालयों में उनको बच्चों को बताया जाए। और हम चाहते हैं कि विद्यालयों में डॉक्टर शंकर शर्मा का एक चित्र भी लगे, जिससे यहाँ के विद्यार्थी और यहाँ के सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। M3 ग्रुप के दिनेश गर्ग के लिए यह गर्व का समय था। उन्होंने बताया कि कभी मैं इसी स्कूल में पढ़ा करता था और आज एक मुकाम पाने में कामयाब हो पाया। स्कूल में अब पहले से ज्यादा संसाधन उपलब्ध हैं। मैं कामना करता हूं कि इस स्कूल के बच्चे देश के उच्च पदों पर जाएंगे। तो मैंने एक बार सोचा कि इसको कहीं जरूरत नहीं, तो मैंने माता मंदिर में आज मैं 35 साल बाद फिर अपने स्कूल में आया हूँ और मुझे बस हर्ष हो रहा है, उल्लास हो रहा है। और मुझे भाभी जी हैं, साधा भाभी जी, उनके द्वारा में हमने स्वेटर बांटे हैं शासकीय मास्टर स्कूल में, बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे पास शब्द नहीं है, क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।